अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इसका यहाँ पर देख सकते हैं 66 है जनरल एरिया का यूआर कैटेगरी। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश यहां तक है आपका, आंध्र प्रदेश के अंदर ये यहां तक है आपका मेरिट है, और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बात जैसे आपकी कैटेगरी वगैरह है और ये आपका एरिया है। अब यहां पर देख सकते हैं जैसे जनरल एरिया का एससी कैटेगरी का 100 मतलब यहां पर 60 गया है, जनरल एरिया का 130 में इनका यहां पर 34 गया है। तो ये आराम से आप देखिए, क्योंकि अगर मैं एक एक चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप नहीं देख पाओगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये यहां पर ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश का यहाँ से देखिए, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का नक्सल एरिया यूआर का बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी का, तो यहाँ तक ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद में जैसे असम है, तो असम का ये कट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है, असम का भी देख सकते हैं 42, 43, 44, 49, 49, 49, 50, 46, 49, 50, 52, 58, ये आपका असम का कट ऑफ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एकदम सटीक कट ऑफ है फिजिकल का, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला, ये आप देख लेना। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका बिहार, वो तो बिहार का मेल कट ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये आपका जैसे कैटेगरी वगैरह है, ये आपका एरिया वगैरह है, सारा कट ऑफ आपके सामने है, आराम से आप वीडियो रोकिए और देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेल कट ऑफ है फिजिकल का। इसके बाद में ये बिहार का कुछ और रह गया, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये बिहार की कट ऑफ है, ओबीसी अक्षरिशमैन यहां तक है, तो आराम से रोकिए और वीडियो को देखिए। इसके बाद में चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ का की चंडीगढ़ के अंदर भी आप देख सकते हैं जनरल एरिया की एससी अक्षरिशमैन ओबीसी यहां तक कटोप है चंडीगढ़। इसके बाद में छत्तीसगढ़ स्टेट की है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट की कटोप के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कहां से लेकर कहां तक है, तो ये छत्तीसगढ़ की यहां से लेकर यहां तक कटोप है, तो यहां पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे आपकी कैटेगरी वगैरह है, ये आपकी कैटेगरी है, ये आपका एरिया वगैरह है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा, सारा कट ऑफ आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में जैसे दादरा एंड नागर हवेली है, तो यहाँ पर इसका कट ऑफ है, दिल्ली है, तो दिल्ली के स्टेट के कैंडिडेट भी अपना यहाँ से कट ऑफ देख सकते हैं, ये दिल्ली का कट ऑफ है, ये यहां से सॉरी यहाँ नीचे तक है, ये दिल्ली का कट ऑफ है, आराम से आप रोकिए वीडियो को, मेल कट ऑफ है फिजिकल के लिए, तो यहाँ पर सारा कट ऑफ सामने लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लेना। इसके बाद में जैसे गोवा है, तो गोवा का भी मेल कट ऑफ आप देख सकते हैं फिजिकल के लिए, यहां से लेकर ये मेल कट ऑफ है फिजिकल के लिए। इसके बाद में ये गुजरात का है, तो गुजरात का मेल कट ऑफ भी आप देख सकते हैं फिजिकल के लिए, यहां पर सारा मैंने आपको पूरा बता रखा है, एससी एसटी ओबीसी, बी का मतलब बॉर्डर एरिया, जी का मतलब जनरल एरिया, एन का मतलब नक्सल एरिया, सारा कट ऑफ आपके सामने लिखा हुआ है, तो वीडियो को रोकिए आराम से देखिए, और आप ये भी बताते रहिएगा कि आपका कितना नंबर बन रहा है। तो यहां पर ये गुजरात है, गुजरात का कुछ और भी रह गया है यहां पर देख लीजिएगा। इसके बाद में हरियाणा है, तो हरियाणा का कट ऑफ भी यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, एक एक आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश का भी मैंने यहां पर आपको कट ऑफ बता रखा है कि आपका कितना नंबर जा सकता है। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी यहां पर शुरू कर देना चाहिए। तो ये मेल कैंडिडेट का फिजिकल का कट ऑफ है, फिजिकल का कट ऑफ है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में जम्मू कश्मीर का कट ऑफ देखिए, तो ये जम्मू कश्मीर का है यहां से लेकर यहां तक, ये जम्मू कश्मीर का है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर EWS, SC, ST, एक्सरिशमैन, OBC, UR, सारा कट ऑफ आपको मैंने बता रखा है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से वीडियो रोकिए और समझिए। इसके बाद में जैसे झारखंड है, तो झारखंड का भी नीचे कट ऑफ बता रखा है पूरा देखिए, जैसे जनरल एरिया EWS, नक्सल एरिया EWS, जनरल एरिया ST कैटेगरी 82, 60, 78, 70, ये आपकी झारखंड की कट ऑफ है। इसके बाद में अगर आगे हम कट ऑफ देखें झारखंड के बाद में कर्नाटका का, तो कर्नाटका का भी कट ऑफ मैंने बता रखा है, सारा 28 राज्यों का कट ऑफ पूरा बताने वाला हूं, ऐसे नहीं है कि मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, बिल्कुल पूरा जैसे जनरल एरिया EWS, जनरल एरिया SC, जनरल एरिया ST, सारा कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जैसे केरल, केरल का जैसे जनरल एरिया EWS का कट ऑफ भी यहाँ पर मैंने बता रखा है। इसके बाद में अगर केरला का हम कट ऑफ देखें, तो केरला का कट ऑफ यहां से लेकर ये यहां तक कट ऑफ आपका केरला, केरला स्टेट का कट ऑफ यहां पर आप देख सकते हैं, पूरा मैंने बता रखा है, नक्सल एरिया बॉर्डर नक्सल एरिया जनरल एरिया, सारा कट ऑफ सारी कैटेगरी वगैरह पूरा दिखा हुआ है सामने, यहां पर आपको कट ऑफ मिल जाएगा, ये सारी आपकी कट ऑफ है, ठीक है फ्रेंड्स, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। इसके बाद में लद्दाख है, तो लद्दाख का भी मैंने कट ऑफ बता रखा है। इसके बाद में मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का कट ऑफ की बात करें, तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका मध्य प्रदेश का मेल कट ऑफ है फिजिकल के लिए, सारा कट ऑफ बता रखा है, जनरल एरिया नक्सल एरिया, और इसके बाद में जितनी भी आपकी कैटेगरी है EWS, SC, ST, OBC, सारा कट ऑफ सामने लिखा हुआ है, वीडियो रोकिए आराम से देखिए। अगर आगे बात करें महाराष्ट्र की कट ऑफ के बारे में, तो महाराष्ट्र का कट ऑफ यहां से लेकर शुरू होता है यहां तक,
ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका महाराष्ट्र का कटोप है, EWS, SC, ST, अक्षर दुश्मन, इसके साथ साथ ये एरिया वगैरह है, सारा कटोप सामने लिखा हुआ है, ये आपका कटोप है। ठीक है फ्रेंड, आराम से रोकिए, आराम से देखिए। इसके बाद भी जैसे मणिपुर है तो मणिपुर का कटोप भी मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है मेल कैंडिडेट का फिजिकल के लिए, तो ये फिजिकल कटोप है, फाइनल कटोप नहीं है। इसके बाद में मेघालय है तो मेघालय का भी कटोप मैंने यहाँ पर बता रखा है, मिजोरम का कटोप है, नागालैंड का कटोप है। तो आराम से आप वीडियो रोकिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दे देता हूँ, आराम से आप वीडियो रोकिए और पूरा देखिए। इसके बाद में ओडिशा स्टेट की बात करते हैं, ओडिशा से काफी ज्यादा कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट ओडिशा से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ओडिशा स्टेट है ओडिशा, और यहाँ पर कटोप देख सकते हैं, ये आपका ओडिशा का कटोप है, ये सारा कटोप बताया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जी का मतलब जनरल एरिया, नक्सल एरिया और जनरल एरिया EWS का कटोप, जनरल नक्सल एरिया EWS का कटोप, सारा मैंने बता रखा है आपको, बिल्कुल भी मतलब इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पुडुचेरी है तो पुडुचेरी का मेल कैंडिडेट फिजिकल के लिए कटोप देख सकते हैं। इसके बाद ये पंजाब स्टेट है तो पंजाब का मेल कैंडिडेट का फिजिकल के लिए कटोप देख सकते हैं। तो ये सारा जैसे बी का मतलब बॉर्डर एरिया, जी का मतलब जनरल एरिया, एन का मतलब नक्सल एरिया, ये आप आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान का कटोप आप देख सकते हैं कितना गया है, राजस्थान का इतना अगर आपका सेफ स्कोर है, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इतना नंबर अगर राजस्थान के किसी भी कैंडिडेट का अगर बन रहा है, मैंने सारा कटोप आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर जैसे बी का मतलब बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया, EWS, SC, ST, सारा कटोप मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद में आगे अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का कटोप यहां से लेकर यहां तक कटोप आपको मैं बता देता हूं, और ये PDF में टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सारा देख सकते हैं, बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया और जितनी भी आपकी कैटेगरी है SC, ST, OBC, EWS। इसके बाद में तमिलनाडु का कटोप भी यहां पर आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये तमिलनाडु है, इसके जितने भी कैटेगरी वगैरह है, जितने भी एरिया वगैरह है। इसके बाद में तेलंगाना स्टेट की मेल कटोप की बात करें फिजिकल के लिए, तो ये आपका तेलंगाना स्टेट है, इसके अंदर जितने भी आपके एरिया वगैरह है वो आप देख सकते हैं, आपकी कटोप 42, 43, 48, 34, 65, 50, 36 और जितने भी कैटेगरी है, जितने भी एरिया है। इसके बाद में त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा का कटोप है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जनरल एरिया EWS, जनरल एरिया SC, जनरल एरिया SC, बॉर्डर एरिया, सारा कटोप मैंने बता रखा है। इसके बाद में आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कटोप के बारे में, तो ये उत्तर प्रदेश का कटोप भी मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। उत्तर प्रदेश का कुछ यहाँ पर जैसे EWS, SC, ST का कटोप ऊपर दे रखा है मेल कैंडिडेट का फिजिकल के लिए। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश का कटोप है, यहां तक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की कटोप के बारे में बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड का कटोप यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कटोप आप सारा कुछ बता रखा है, जैसे EWS कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, एक्सर्विसमैन, OBC, UR, सारा कटोप बता रखा है। इसके साथ साथ जैसे बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, जितना भी उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर नक्सल एरिया नहीं है, सारा कटोप आप सामने लिखा हुआ है, आराम से आप देख सकते हैं। जैसे SC का यहाँ पर, ST का, SC बॉर्डर एरिया, SC जनरल एरिया, ST बॉर्डर एरिया, ST जनरल एरिया, सारा कटोप आराम से लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे है आपका वेस्ट बंगाल स्टेट, ये फिजिकल की कटोप है वेस्ट बंगाल का मेल कैंडिडेट के लिए। इससे पहले फीमेल के डेट का मैंने Part 1 बताया है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये देख सकते हैं मेल कटोप है वेस्ट बंगाल का, जिसके अंदर EWS कैटेगरी की यहाँ पर ये तीन कटोप है, बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया, नक्सल एरिया। SC कैटेगरी का बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में जैसे OBC कैटेगरी है, UR कैटेगरी है। अब जैसे बी का मतलब जैसे वेस्ट बंगाल बॉर्डर एरिया OBC कैटेगरी की कटोप मेल कैंडिडेट के लिए 42। यहाँ पर ये जो भी नंबर है ये आपकी कटोप है, अगर इतना नंबर बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी यहाँ पर शुरू कर देना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की Part 2 के अंदर, मतलब ये Part 2 है जिसके अंदर हमने बात की कि भाई फिजिकल के लिए कितना कटोप जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि सर आपने फीमेल कटोप तो बता दी, हमारे को मेल कटोप भी बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर इतना नंबर बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला, आपका फिजिकल जल्द यहाँ पर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।